नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR EduTech में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जुलाई का महीना आ गया है और हर महीने में SMC की मीटिंग बुलाई जाती है और जुलाई में भी बुलाई जाएगी। तो कुछ मुख्य चर्चा बिंदु होंगे और जिन्हें हमें अपने SMC रजिस्टर पर लिखना होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और लिखते हैं। और बार बार मैं कहता रहता हूँ कि आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। हर अलग अलग समस्याएं होती है हर जगह की, कोई पर्टिकुलर नहीं है। आप अपने हिसाब से कुछ भी चाहे लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और चलते हैं अपने विषय पे। तो की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, एजेंडा जो मैंने लिखा है, हो सकता है आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो, पर एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। लग रहा है कि बहुत बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं है। और विद्यालय में शैक्षिक सत्र की गतिविधियों को नियोजित करने के संबंध में SMC का सहयोग, ठीक है। सभी संबंधित प्रबंध समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान जी, आज दिनांक 5/7/2022 को आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि कल 6/7/2022 दिन बुधवार को विद्यालय में होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों कार्यों के संबंध में बैठक आयोजित की जाएगी। देखिए, 5/7 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 6 तारीख को बुधवार है। कहते हैं महीने के पहले बुधवार को SMC मीटिंग होती है, तो एक दिन पहले सूचित कर दिया गया कि हाँ आपको आना है, ठीक है। ये बात हो गई। एजेंडा आपको दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आराम से आ जाएगा। अभी मैंने थोड़ा फैला फैला के लिखा है, रजिस्टर में आसानी से आ जाएगा। महत्वपूर्ण गतिविधि एवं कार्यों के संबंध में एक बैठक आयोजित की जाएगी, अतः आपसे निवेदन है कि आप बैठक में प्रतिभाग करने की कृपा करें। ये सूचना आप लिखवा दिए, हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं कार्यवृत्ति के बारे में। कार्यवृत्ति जो होगी उसके बारे में, कार्यवाही जिसको कहते हैं, इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं। इन मुख्य बिंदुओं के बारे में, संचयी रोग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बारिश का मौसम है भैया, और बताएंगे आप लोग उनको, SMC सदस्यों का, अभिभावकों को, इस बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश में मौसम संबंधी, पेट संबंधी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा बीमारी होती है, ठीक है। इसके बारे में आप काफ़ी कि मतलब पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें और गर्म पानी पिए, गंदे पानी ना पिए, इस सब सारी चीज़ों से बच्चों को बचाएं। ये बातें हो सकती, कभी कभी बरसाती दाने निकल आते हैं। एक जो स्टार टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है, इसको देखिए। छात्र की जाति प्रमाण पत्र, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये जो है वो बनाना चाहिए क्योंकि हर बार होता है छात्रवृत्ति के फॉर्म इसीलिए भर नहीं पाते क्योंकि उनके पास जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र नहीं होता। इसको बनवा लीजिए, इससे ये रहेगा कि फॉर्म भरने के आसानी रहेगी, ये चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। छात्र उपस्थिति बढ़ाने, जनसंपर्क पर जोर, क्योंकि जून में भी स्कूल खुला है, आने वाले समय में जुलाई में धान लगेंगे। धान के समय जो है बच्चे थोड़ा इधर उधर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या घट जाती है और घूमने फिरने लगते हैं, काम तो होता ही है उसके अलावा भी, तो एक ये पॉइंट कर लीजिएगा। नामांकन को बढ़ाएं, जहाँ छूट गए उनका नामांकन करें, नामांकन का भी देख लीजिएगा, अगर कोई छूटा हो तो उसका नामांकन कर लीजिएगा। 19 पैरामीटर का जो संतृप्तिकरण वाला अभियान जो चल रहा है, उस अभियान के बारे में भैया जो कुछ छूटा होगा 19 बिंदु में प्रधान से कह के अपना जो है उसको पूरा कराने के लिए सहयोग कर सकते, सहयोग ले सकते हैं SFC के सदस्यों का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हैं, सभी आधारविहीन बच्चों का आधार बनाने हेतु BRC भेजने हेतु जागरूक कर दीजिए। सभी बच्चे जिनका मतलब आधार नहीं बना है क्योंकि DBT होगा नहीं उसके बिना, तो भैया ऐसा है उनको जागरूक करिए और बताइए कि BRC फ्री बन रहा है, सुविधा है बनाने की, फ्री वरी फ्री के बारे में तो वही बताएंगे BRC वाले, बता दीजिए कि बन रहा है और आप एक प्रमाणित करके भेज दीजिए फ़ोटो के साथ, फ़ोटो प्रमाण पत्र की जाइए वहाँ पे बनवा लीजिए, बनवाना है। और फ़ोटो अपलोड का जो काम हो रहा है DBT पे, उससे संबंध निःशुल्क ड्रेस, जूता, मोजा जो है खरीद ले। देखिए मैंने यहाँ मोजा लिखा है जबकि मोजा होना चाहिए था। खरीद है, जागरूक करें कि भैया खरीदो वरना ड्रेस का पैसा वैसा नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको करना है। अगर मान लो पैसा नहीं है, अभी आया है तो भी खरीद लीजिए ताकि लोग बच्चे जो है आए। और अंत में सभी आए हुए सदस्यों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए बैठक का समापन कर देना है। ये बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने बड़ा बड़ा लिखा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, आप कॉपी पे आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप की थोड़ी सी मुश्किल को आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।